Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Children, which day is today? Yoga day. International Yoga Day. International Yoga Day. So what are you supposed to do on this day? Ma'am, we have to do yoga. We have to do yoga. Yoga. So I'm going to present you my link. We will do live yoga here in the class. Okay. Can you all see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'm going to start the this and I'm going to mute myself. Just please follow what they are saying and do accordingly. At your place only. I will also join with you all. Okay, sit with your yoga mats properly. Namaskar. Good morning, everyone. आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है तो हम सब और कैप्टिव की तरफ से योगा डे सेलिब्रेशन करेंगे तो आप सबका स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में तो आप सभी हमारे साथ योगा करके योगा करने से योगा हमें हमारे पूर्वजों ने हमारा भारत देश जो हमारा भारत देश है हमारे पूर्वजों ने हमें योगा दिया है योगा से बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि हम लोग योगा से तंदुरुस्त रहते हैं और ये योगा आज दुनिया भर में सब लोग हमारा जो योगा का जो भी आसन प्राणायाम वो सब है वो पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड उसको सेलिब्रेट करता है पूरा पूरा भारत पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड उसको हमारे योगा को सब लोग जैसे अच्छे से करते हैं तो हम लोग भी योगा को आज सेलिब्रेट करेंगे योगा करने से बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि हम योगा जैसे भी करते हैं तो योगासन करने से हमारे बॉडी में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी हमारा हर एक बॉडी का पार्ट हमारा हर एक शरीर का अंग बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम जैसे हमारे शरीर के जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं जैसे हम लोग योगा करते हैं समझ लो पद्मासन किया पद्मासन से हमारा पाचन तंत्र वो सब क्यों वो सब अच्छा हो जाता है देन वज्रासन करने से वज्रासन करेंगे हम तो भी हमारा पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होगा तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे ही और बहुत सारे आसन हैं जिसे हम अलग अलग बेनिफिट अलग अलग फायदे हो सकते हैं और प्राणायाम का प्रॉब्लम नहीं होता है प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि हमें कोई सांस की बीमारी होती है अस्थमा ऐसे कोई बीमारी होती नहीं है एंड जिसकी सांस की बीमारी होती है अस्थमा ऐसे कोई बीमारी होती नहीं है एंड देन ध्यान मेडिटेशन करने से ऐसी विद्या है मेडिटेशन करने से कोई भी आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है ये योग में मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज है आप योग करोगे मेडिटेशन के आप माइंड पावरफुल होगा आपका जो माइंड है वो एकदम एकत्रित हो जाएगा एकदम एकत्रित हो जाएगा और आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो आपका विल पावर इतना बढ़ जाएगा ठीक है तो योगा में बेसिक योगा एडवांस योगा थोड़ा बहुत योगा करेंगे यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े और सब लोग योगा करें और हम आपकी वैली की तरफ से आपको योगा डे का सेलिब्रेशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो योगा स्टार्ट करते हैं ठीक है पहले बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो कम ऑन एवरीवन आप सब अपना योगा मैट नहीं है तो आप बेडशीट भी ले सकते हो ठीक है और हमारे साथ योगा मैट को रख के खड़े हो जाए योगा मैट पे पहले हम फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत वार्मिंग अप ओके तो आप सब अपने पैर को ओपन कर लो ठीक है दोनों हाथ अपने वेस्ट पर कमर पर अपने सिर को ऊपर उठाना है नेक स्ट्रेच करना है ओके डाउन डाउन इनमें से नीचे स्ट्रेच करना है नीचे की ओर
okay, relax. Now, right side, stretch your neck, right side, right side up neck stretch. साइड राइट साइड आपको नेक्स्ट स्ट्रेच करना है अप नाउ स्लोली रिलैक्स नाउ लेफ्ट साइड स्लोली रिलैक्स नाउ लेफ्ट साइड ओके स्लोली रिलैक्स वेरी गुड एवरीवन सेम पोजीशन रहेगा ठीक है राइट हैंड को अप करना है लेफ्ट हैंड को कमर पे रखना है नाउ स्लोली बेंड योर राइट लेफ्ट साइड एंड स्ट्रेच योर साइड ओके अप रिलैक्स जब यही चीज हम दूसरी साइड करेंगे ठीक है तो लेफ्ट हैंड अप राइट राइट हैंड ऑन योर वेस्ट नाउ स्लोली डाउन स्ट्रेच बैंड नहीं करना है हैंड स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट एंड स्ट्रेच योर बॉडी अप ओके नाउ जॉइंट दोनों पैर को साथ कर लीजिए आगे झुकना है अब हाथों को कमर पर रखकर अपने पैर को खोल दीजिए नाउ पीछे झुकना है अप एंड रिलैक्स वेरी गुड एवरीवन सो हमने बेसिक वार्मिंग अप तो कर लिया ठीक है अब हम योगा से स्टार्ट करेंगे योगा में सूर्य नमस्कार एक बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ठीक है आप रेगुलर सूर्य नमस्कार करोगे तो आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा जैसे हाथ अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी ऊपर का बॉडी का पार्ट को लेकर नीचे के बॉडी पार्ट तक सब कुछ आपका सूर्य नमस्कार में एक्सरसाइज हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार से ओके सो सूर्य नमस्कार में 12 तरीके के आसन होते हैं ठीक है यहाँ पर मैं 12 तरीके के आसन करूंगा आपको मुझे देखना है सूर्य नमस्कार में 12 तरीके के आसन होते हैं ठीक है यहाँ पर मैं 12 तरीके के आसन करूंगा आपको मुझे देखना है मुझे फॉलो करना है आप मुझे दोहराए और सारे आसन अच्छे से करें जिससे होता है वो अच्छे से करें जिससे नहीं होता है और ट्राई करें किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कोई स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा करना नहीं है आपसे जो होता है वही करें ठीक है तो अपने दोनों पैर को जॉइंट कर लीजिए दोनों पैर साथ में स्टार्ट वन टू थ्री फोर जिसमें राइट आपका जो राइट लेग है वो आगे रहेगा लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाना है और स्ट्रेच करना है बॉडी को फाइव सिक्स एट नाइन लेफ्ट लेग आगे करके बॉडी को स्ट्रेच करना है टेन इलेवन ट्वेल्व ओके स्लोली रिलैक्स तो ये हो गया सूर्य नमस्कार ओके स्लोली रिलैक्स तो ये हो गया सूर्य नमस्कार ये सूर्य नमस्कार में अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक सब एक्सरसाइज हो जाएगा ये नियमित करने से आपका बॉडी एक्सरसाइज होता है तो आप ये रेगुलर करें नाउ नेक्स्ट हम आसन से चालू करेंगे ठीक है तो पहले स्टार्ट करेंगे पैरों पे खड़े हुए आसन ठीक है पैरों पे खड़े रहकर जो आसन करते हैं हम वो स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग पोज ओके सो फर्स्ट इज ताड़ासन पहला आसन है ताड़ासन ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को बांध लीजिए नाउ स्लोली दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और आपके पंजे के ऊपर होकर आपको बॉडी को बैलेंस करना है ओके स्लोली डाउन एंड रिलैक्स ताड़ासन करने से आपकी हाइट में इंप्रूवमेंट होगा
Okay, now next is Vrikshasan. Vrikshasan करने के लिए पहले right leg से करेंगे. आपको अपना right leg उठाकर left leg को ऊपर रखना है. एक पैर पे आपका बॉडी का बैलेंस बनाए रखें. दोनों हाथों से नमस्कार पोजीशन. Slowly relax. यही चीज हम दूसरे पैर से भी करेंगे. अभी लेफ्ट लेग उठाकर राइट लेग के ऊपर रखना है. एक पैर पे बैलेंस बनाए रखें. दोनों हाथों से नमस्कार पोजीशन. ओके स्लोली रिलैक्स. ये आसन करने से आपका बॉडी बैलेंस इंप्रूव होगा. ठीक है, अभी हम करेंगे. सबको अपने पैर को खोल लो. ठीक है, दोनों हाथ साइड पर, दोनों हाथ सीधे रखने हैं ना. थोड़ा सा आगे झुककर आपको ऊपर का जो बॉडी है उसको ट्विस्ट करना है. ओके, तो पहले हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को टच करेंगे. ट्विस्ट योर बॉडी, टर्न योर बॉडी एंड होल्ड. अभी सबने पोजीशन में आ जाइए. अभी यही पोजीशन में रहना है. ठीक है, नाउ दूसरी साइड अपना बॉडी दूसरी साइड ट्विस्ट करना. ओके, सो लेफ्ट हैंड से हम लोग राइट लेग पे टो को टच करेंगे. रिलैक्स, खड़े हो जाए. नाउ नेक्स्ट दूसरा आसन है पादहस्तासन. ओके, तो आपको दोनों लेग ज्वाइंट करना है. दोनों लेग को साथ में कर लीजिए. नाउ हाथ ऊपर करते हुए सांस को अंदर भरना है. सांस थोड़े हुए नीचे जाए और अपने पैरों के टो को टच करें. अदरवाइज आप फ्लेक्सिबल हो तो आप पांव नीचे टच कर सकते हैं, लेकिन नी को बैंड नहीं करना है. आपके लेग्स सीधे ही होने चाहिए. ठीक है, राइट होल्ड. धीरे से ऊपर आ जाए. रिलैक्स. ओके, तो हम अभी बैठकर करने वाले आसन करेंगे. तो सारे लोग अपने योगा मैट पे बैठ जाए. दोनों लेग को सीधा कर लें. ओके, दोनों लेग को सीधा कर दें. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. पहला आसन होगा पश्चिमोत्तानासन. ओके, तो पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैर को स्ट्रेट सीधा करना है. दोनों हाथ साइड पर, बैक बोन शुड बी स्ट्रेट. अपर आपकी जो ऊपर की बॉडी है उसको स्ट्रेट रखना है. ओके, नाउ स्लोली सांस भरकर हाथ ऊपर करें. सांस छोड़ते हुए आगे जाए और धीरे से अपने टो को टच करें और बन सके तो अपने नाक को अपने घुटन पे टच करना है. जैसे ऊपर आ जाए. रिलैक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे पद्मासन. जो आसनों में सबसे बेसिक आसन माना जाता है पद्मासन. ठीक है, पद्मासन करने के लिए पहले राइट लेग उठाए और अपने लेफ्ट लेग पे रखे. और लेफ्ट लेग उठाए अपने राइट लेग पे रखे. अगर आपसे नहीं होता है तो आप नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे हम लोग इसे बैठते हैं. ओके, जिससे नहीं होता है वो ये फॉलो करेगा और जिससे होता है वो पद्मासन प्रॉपर ट्राई. ओके, कमर स्ट्रेट, कमर में से सीधा बैठना है. फर्स्ट फिंगर और थंब को मिलाकर योग मुद्रा बनानी है. ओके, और दोनों हैंड स्ट्रेट करके दोनों हाथ सीधे रख के हमें अपने घुटन के ऊपर रखना है, नीचे ऊपर. एंड नॉर्मल ब्रीदिंग.
ओके रिलैक्स आपको सेम पोजीशन में बैठना है पद्मासन में ही बैठना है अभी नेक्स्ट आसन है पर्वतासन ओके पर्वतासन करने के लिए दोनों हाथ साइड पे ले लीजिए कमर कमर सीधी रखिए दोनों हाथ साइड पर ले लीजिए नाउ सांस भरते हुए हाथ ऊपर आपको ऊपर नमस्कार पोजीशन बनानी है सांस को रोके रखें ओके सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ओके वेलकम एवरीवन रिलैक्स नाउ दोनों पैर को खोल लीजिए दूसरा आसन है वज्रासन ओके तो वज्रासन करने के लिए दोनों पैर को पीछे की ओर बेंड करना है मोड़ना है पीछे की ओर इस लाइन ऐसे ओके अपर बॉडी कमर में से स्ट्रेट रहेगा बॉडी आपका दोनों हाथ नीचे ऊपर ओके नाउ सेम पोजीशन यही पोजीशन में बैठना है वज्रासन की पोजीशन में अभी हम करेंगे शशंकासन ओके और शशंकासन करने के लिए दोनों हाथ साइड पर सांस भरते हाथ ऊपर अभी बॉडी को आगे की ओर झुकाना है बॉडी को आगे खींचना है सांस छोड़ते हुए आगे जाए और अपना जो नोज है उसको फ्लोर पे टच करना है ओके धीरे से ऊपर आ जाए रिलैक्स ओके नाउ हम करेंगे गौमुखासन ओके गौमुखासन करने के लिए पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे तो आपको राइट लेग बेंड करना है ऐसे आप उसके ऊपर लेफ्ट लेग बेंड करना है ऐसे ओके फिर राइट हैंड ले पीछे लेकर जाकर लेफ्ट हैंड से पीछे लेफ्ट हैंड को पीछे से पकड़ना है बैक बॉल स्ट्रेट अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा एंड होल्ड ओके रिलैक्स यही सेम आसन हमें दूसरे पैर से भी करना है ठीक है तो अभी लेफ्ट लेग नीचे जाएगा राइट लेग ऊपर नाउ लेफ्ट हैंड अप एंड राइट हैंड नीचे से जाएगा एंड स्ट्रेच ओके स्लो डाउन रिलैक्स ये हो गए बैठ के होने वाले आसन अभी हम लेट के होने वाले आसन करेंगे उसमें दो हो गए एक बैक पर और एक पेट पर ओके तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक पे लेट के होने वाले आसन तो सब लोग अपने योगा मैट पे सो जाए पहला आसन होगा उत्तान पादासन ओके तो दोनों हाथ अपने हम दोनों हाथ साइड पे रख लेंगे नाउ स्लोली सांस भरते हुए पैर को उठाना है अभी हम करेंगे नेक्स्ट आसन फलासन ओके तो फलासन करने के लिए स्लोली सांस भरते हुए पैर को उठाकर पीछे की ओर ले जाए दोनों पैर को सीधा रखना है तो रिलैक्स सांस छोड़ते हुए पैर को आगे की ओर ले गया है नेक्स्ट इज नौकासन ठीक है नौकासन करने के लिए आपकी बॉडी को नौका के आकार में आपको रखना है तो नौका के आकार में रखने के लिए पहले पैर उठाए फिर दोनों हाथ अपने जांघों के बाजू में और आपको यहाँ पे होल्ड करना है ओके, रिलैक्स
अभी बैठ जाए, अभी हम करेंगे पेटों पे होने वाले आसन। सबको पेट के बल सो जाना है, दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे लेके जाए। हम करेंगे धीरे से नीचे जाए, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को छाती के बाजू में लेके आए, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर जाना है, ऊपर की ओर देखना है। नीचे आए, रिलैक्स। अभी आप सब लोग योगा मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम। ओके, सो फर्स्ट प्राणायाम इज, पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम लोग को बैठना पड़ेगा पद्मासन पोजीशन में। अगर जिससे पद्मासन पोजीशन नहीं होता है वो नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले दो भी पोजीशन में बैठना है, पहले पोजीशन में बैठ लेते हैं। तो हम लोग पद्मासन पोजीशन में बैठेंगे। ओके, अभी कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथ भी मुद्रा साथ अपने घुटनों पे। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमें सांस को अंदर लेना है और पेट के फोर्स से बाहर निकालना, ठीक है। पेट के फोर्स से, सांस से बाहर नहीं निकालना है, पेट के फोर्स से निकालना। ओके, और हम लोग करेंगे स्लोली, किसी को फास्ट नहीं करना, स्लोली करना। ओके, फर्स्ट 10 टाइम करेंगे, रेडी। रिलैक्स, रिलैक्स। रिपीट करेंगे और एक बार ये स्वयं प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। ओके, रेडी। टाइम टाइम आपको सांस को अंदर खींचना है और पेट के बल से बाहर निकालना है। स्टार्ट। रिलैक्स, ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा आपका, पाचन तंत्र मजबूत होगा आपकी, जो श्वसन प्रक्रिया है वो मजबूत होगी, श्वसन प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे आप हो जाती है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे कमरी प्राणायाम। ओके, बैठना हम ये पोजीशन में है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम करने के लिए हमें ऐसा उच्चार करना होता है, श्वास सांस को अंदर खींचकर जब हम बाहर निकाल रहे हैं एक्सहेल के टाइम पे हमें ऐसा उच्चार करना रहता है। तो ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए आपकी जो पहली दो फिंगर है, दोनों हैंड हाथों की पहली उंगली, उसको सिर पे रखे। ओके, बीच की जो फिंगर है दोनों आंखों पे रखना है और आपका जो अंगूठा है उसको कानों को दबाना है, ऐसे कानों को बंद कर देना है। ओके, एक दो और तीन। अभी हम ये पोजीशन करके आपको अंदर ले गए, इनहेल एंड देन एक्सहेल के टाइम पे हमें ऐसा उच्चार करना है ब्राह्मणी प्राणायाम। ओके, और सबको पोजीशन लेना है, इनहेल एक्सहेल। Thank you.
Again, inhale, exhale. One time again, inhale, exhale. ये प्राणायाम करने से आपके सिर में कंपन पैदा होती है. कंपन पैदा होने से आपके सिर का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका माइंड पावर तेज होता है. ये प्राणायाम करने से आपकी श्वसन तंत्र को भी हेल्प होती है, वो एकदम मजबूत होता है. ठीक है, अभी हम लास्ट प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम. ये प्राणायाम मोस्टली श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और नेचुरल जो ऑक्सीजन होता है उसको बॉडी में ले जाने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है. तो हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए जो थंब है आपको राइट और राइट ऑर्गन नोज पे रखना है, दोनों मिडिल फिंगर को लेफ्ट नोज पे रखना है. ओके, हम वन टाइम एक ही होल से सांस लेंगे, एक ही नाक के छिद्र से सांस को लेना है और उसको अंदर कैरी करके अंदर ले जाके होल्ड करके फिर दूसरे नाक के छिद्र से बाहर निकालना है. अनुलोम विलोम प्राणायाम. ओके रेडी, अभी हम लेंगे फर्स्ट लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन, क्लोज योर नोज, होल्ड, ब्रीथ आउट. ये प्रक्रिया को हमें 10 बार दोहराना है. अभी राइट ओर से सांस को छोड़ दिया तो राइट ओर से सांस को लेना है और लेफ्ट ओर से छोड़ना है. ठीक है, रेडी, क्लोज, एक्सहेल, इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, inhale, hold, exhale, inhale, close, exhale, inhale, close, exhale, inhale, close, exhale, last time, inhale, close, exhale, yes, relax. आप सभी अपने पैरों को खोल लीजिए. नाउ हम लास्ट वन करके मेडिटेशन आपको माइंड पावर बढ़ाने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेडिटेशन करने से हमें अपने आप में एक ऊर्जा मिलती है. जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो योगी मुनियों थे, वो मेडिटेशन करके बहुत सारे शक्ति हासिल कर सकते थे. तो हमें मेडिटेशन करना है. मेडिटेशन करने के टाइम हमें कुछ भी, अपना एक बॉडी पार्ट भी नहीं हिलाना है, आंखों को बंद रखना है, अपने नॉर्मल जो ब्रीदिंग है, जो श्वासोश्वास की क्रिया है, उसके ऊपर ध्यान दे और आजू बाजू कुछ भी आवाज है उसको भूल जाइए, अपने आप में खो जाना है. ओके, सो सब वज्रासन में बैठ जाएंगे. कमर को सीधा रख ले, दोनों हाथ नीस पर, आंखों को क्लोज करना है. अभी हम इनहेल करेंगे सांस को और एक्सहेल करने के टाइम ओम का उच्चार करना है. ओके रेडी, ओनली फाइव टाइम्स.
Ready? Inhale. Exhale. Om. Inhale. Exhale. Inhale, रेगुलर बेस पे करना चाहिए, रोज आप योगा करो। योगा करने से आपके बॉडी में किसी भी चीज, आप निरोगी रहोगे, योगी बनोगे, निरोगी रहोगे। तो योगा इज बेस्ट। और अब ये क्या है, हम कितने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सब योगा कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हो। आपके बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होगा इससे करने से, कोई इंजरी भी नहीं होगी, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा। तो योगा करते रहिए, निरोगी बनते रहिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए काफी मेरे स्कूल की तरफ से, हमारी तरफ से आपका शुक्रिया था। आप सभी लोग, हम लोगों ने मिलकर योगा डे सेलिब्रेट किया, हमारा जो भारत का एक मेन योगा जो योगा डे था वो सेलिब्रेट किया। ये हमें बहुत पसंद है, हमें योगा डे सेलिब्रेट करना चाहिए और योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए हमें गर्व है। तो आपको ये योगा का सेशन पसंद आया हो तो हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। काफी वाली ग्राम का आपको शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir. So, yes, just a minute. So, children, sir has explained you what are the benefits of yoga, right? Yes. Yes, ma'am. So, we have to keep it in our regular practice. That is why we're celebrating one special day as a yoga day, International Yoga Day, which is today, 21st June. Every year we celebrate Yoga Day, right? So yoga plays an important role in our life. Okay, students. So I stop the presentation. Yes, wait. Thank you. Wait a minute, students, don't leave.